हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूजा मीना और आज आप लोगों के लिए मैं नया टॉपिक लिख के आई हूँ, दैट इज़ वीजी स्टेन, जिसको हम लोग बोलते हैं वैन जेंसन स्टेन के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो। अब देखो, ये जो स्टेन है ये स्पेशल स्टेन की कैटेगरी में आती है। अगर आप लोगों ने हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में अगर पढ़ा है, ठीक है, आप अगर हिस्टोपैथोलॉजी के स्टेन के बारे में जानते हो, तो जो मोस्ट कॉमन स्टेन होती है वहाँ पर हेमाटॉक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन होती है। एंड स्पेशल स्टेन के अंदर जो वीजी स्टेन होती है, ठीक है, बहुत सारी स्टेनिंग होती है, सबको डिटेल में समझेंगे। तो आज मेन हम वीजी स्टेन के बारे में बात करेंगे। देखो ये क्योंकि किसके लिए की जाती है, तो कॉलेजन फाइबर्स आर सेलेक्टिवली एंड स्ट्रॉन्ग स्टेन बाय द एसिड एनिलिन डाई इन फेयरली स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। देखो वीजी स्टेन जो है बेसिकली कॉलेजन फाइबर्स के लिए की जाती है, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कॉलेजन फाइबर्स होती है उनके लिए वीजी स्टेन को किया जाता है। अब क्या होता है कि कॉलेजन फाइबर्स जो सेलेक्टिवली एंड स्ट्रॉन्ग स्टेन की जाती है बेसिकली किसके थ्रू, एसिड एंड एनिलिन डाइज के थ्रू की जाती है। अब इसमें क्या होता है, देखो उसके चीज़ को समझते क्या होता है क्या नहीं होता है। यूजिंग दिस एफिनिटी द एनिलिन डाई आर यूज्ड फॉर वेरियस कॉलेजन स्टेन्स। अब इसी को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, एनिलिन डाइज को यूज़ किया जाता है कॉलेजन फाइबर्स या कॉलेजन्स को स्टेन करने के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर काउंटर स्टेन का क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब इस स्टेनिंग में बेसिकली क्या है कि एसिड का यूज़ होने वाला था। देखो जब कभी भी एसिड का यूज़ होता है ना, तो सारे कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है, क्योंकि एसिड क्या करता है, एसिड का जो एनवायरमेंट होता है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है पूरी स्टेनिंग प्रोसीजर को। तो उसी को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ऐसी काउंटर स्टेन यूज़ करनी है जो कि इसके एसिड एनवायरमेंट को वो अफेक्ट ना करें। तो क्या होता है, व्हेन एन एसिड रिक्वायरमेंट इज़ नीडेड, जब कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट की नीड होती है, जैसे कि सॉल्यूशन हमारा है कि एसिड सॉल्यूशन ऑफ एनिलिन डाइज को यूज़ कर रहे हैं, द न्यूक्लियर काउंटर स्ट्रेन इज़ यूज, तब हम कोई भी न्यूक्लियर काउंटर स्ट्रेन यूज़ करेंगे तो मोस्टली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हेमाटॉक्सिलिन को। हेमाटॉक्सिलिन को क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि इट शुड नॉट बी अफेक्ट बाय द एसिड एनवायरमेंट, क्योंकि ये एसिड एनवायरमेंट से अफेक्ट नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई अदर काउंटर स्ट्रेन का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो उसके एनवायरमेंट से अफेक्ट हो जाती है, एसिडिक एनवायरमेंट से, और उसका अलग ही वो कॉम्पोनेंट बना देती है, तो वो हम नहीं चाहते, इसलिए हम यहाँ पे हेमाटॉक्सिलिन को यूज़ करेंगे। अब उसमें भी कौन सी हेमाटॉक्सिलिन को यूज़ करना है, इस आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है बहुत तरह की हेमाटॉक्सिलिन होती है, उसका कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी मैंने बना रखा था, आप वो देख सकते हो, ठीक है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हो आयरन हेमाटॉक्सिलिन यूज़ करेंगे, क्योंकि इज ए मोर रेजिस्टेंट टू एसिड एनवायरमेंट दैन दी एल्यूमिनियम हेमाटॉक्सिलिन, ठीक है। एल्यूमिनियम हेमाटॉक्सिलिन को यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, उसके कंपेयर में आयरन हेमाटॉक्सिलिन को यूज़ करेंगे। हैंस आयरन हेमाटॉक्सिलिन में से भी कौन सी, वीकट हेमाटॉक्सिलिन को यूज़ करेंगे, शुड बी यूज फॉर द न्यूक्लियर स्टेनिंग इन द स्टेनिंग इन द कॉलेजन स्टेनिंग, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे हम जब कॉलेजन्स को स्टेन करेंगे तो वीकट हेमाटॉक्सिलिन को यूज़ करेंगे आयरन हेमाटॉक्सिलिन के अंदर से भी, क्योंकि ये क्या करती है, न्यूक्लियर को जो न्यूक्लियस हमारा है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेन करती है। तो ये मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन से आप लोगों को बताया कि वीजी स्टेन में क्या क्या होता है, किसको स्टेन करती है और इसका क्या कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके प्रिंसिपल को हम सबसे पहले समझते हैं। देखो वीजी स्टेन का प्रिंसिपल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको बहुत इजी तरीके से मैं बता दूंगी। तो वीजी स्टेन इज अ मिक्सचर ऑफ पिक्रिक एसिड, ठीक है, याद रखना है कि एक कॉम्पोनेंट, एक फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है, पिक्रिक एसिड एंड एसिड फ्यूजन, ठीक है, दो कॉम्पोनेंट से मिलकर ये हमारे पास में डाई बनी हुई, ठीक है, एनिलिन डाई है। इट इज़ अ सिंपलेस्ट मैथड ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टेनिंग ऑफ कॉलेजन एंड अदर कनेक्टेड टिश्यू। सबसे सिंपलेस्ट मैथड होता है कॉलेजन एंड अदर कनेक्टेड टिश्यूज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सबसे सिंपलेस्ट स्टेनिंग है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो पिक्रिक एसिड एज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, पिक्रिक एसिड क्या है, उसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, एंड एसिड फ्यूजन हैज अ लार्ज मॉलिक्यूल, एसिड फ्यूजन के लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। द स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ पिक्रिक एसिड पेनिट्रेट ऑल ऑफ द टिश्यूज रैपिडली। अब क्या है कि ये कोई टिश्यू मान लेता है, ठीक है, यहाँ पर हर एक टिश्यू में क्या होता है, छोटे मोटे होल होते हैं, ठीक है, बड़े होल भी होते हैं, छोटे होल भी होते हैं, ठीक है। तो अब पिक्रिक एसिड क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, पिक्रिक एसिड स्मॉल है और एसिड जो हमारे पास में एसिड फ्यूजन है वो थोड़ा लार्ज मॉलिक्यूल है, पिक्रिक एसिड स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो इसलिए वो क्या करेगा, सभी टिश्यूज के अंदर एंटर हो जाएगा रैपिडली, ठीक है। बट आर ओनली फिल्म रिटेन इन ए क्लोज टेक्सचर ऑफ आरबीसी एंड मसल, यानी बेसिकली आरबीसी और मसल्स उनके क्लोज टेक्सचर में पहुंच जाएगा, उनके बिल्कुल उनके अंदर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से फिक्सेशन हो जाता है, आरबीसी है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से इसका फिक्सेशन हो जाएगा। द लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ द फ्यूजन सॉल्यूशन डिस्प्ले द पिक्रिक एसिड मॉलिक्यूल फ्रॉम द कॉलेजन
फाइबर्स विच इज हैव अ लार्जर पोर। अब देखो क्या, तो ये कोलेजन फाइबर्स कंसिडर कर लो आप इसको, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या चला गया, पिक्रिक एसिड चला गया। अब पिक्रिक एसिड चला गया, लेकिन पिक्रिक एसिड के बाद में जो हमारे पास में जो सेकेंड कॉम्पोनेंट हमारा था यहाँ पे, ठीक है, फ्यूजन सोल्यूशन, एसिड फ्यूजन सोल्यूशन था, वो क्या करेगा, पिक्रिक एसिड मोलिक्यूल को थोड़ा बहुत डिस्प्लेस कर देगा, कंप्लीटली डिस्प्लेस नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत डिस्प्लेस करेगा तो कंप्लीटली यहाँ पे चला जाएगा। इसके अंदर जो लार्जर मोलिक्यूल है वो भी चला गया। अब क्या होता है कि लार्जर मोलिक्यूल जब चला गया, दोनों मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, ठीक है, किस किस का मॉलिक्यूल है, हमारे पास में पिक्रिक एसिड का है और एसिड फ्यूजन का मॉलिक्यूल, इसके अंदर कोलेजन फाइबर में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि कोलेजन फाइबर्स का जो है पोर वो ज़्यादा बड़ा होता है। अब क्या होता है, पिक्रिक एसिड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद फ्यूजन। अब पिक्रिक एसिड और जो हमारे पास में, वो दोनों एक फ्यूजन बना लेंगे, कॉम्पोनेंट बना लेंगे, जिसको अपन पिक्रो फ्यूजन के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब ये दिस कॉम्प्लेक्स हैज अ स्पेशल सेलेक्टिवली एफिनिटी फॉर कोलेजन्स। अब इसी मॉलिक्यूल में क्या है, सब कुछ है, यही मॉलिक्यूल में एक स्पेशल इफेक्टिवली एफिनिटी होती है, जो क्या करती है, कोलेजन फाइबर्स के लिए होती है। ये क्या करेगा, आप कोलेजन फाइबर्स जो मॉलिक्यूल लार्जर था उसमें पिक्रिक एसिड भी है, ठीक है, एसिड फ्यूजन भी, दोनों मिलकर एक स्पेशल कंपाउंड बनाया उन्होंने, जो कि पिक्रिक फ्यूजन दोनों ने क्या करा, इस मॉलिक्यूल को अब अच्छे से कलर प्रोवाइड करेंगे। अब कैसे कलर प्रोवाइड करेंगे, वो कलर हम बाद में देखेंगे, जब रिजल्ट में देखेंगे। अब ये तो इस तरीके से स्पेशल कंपाउंड बन जाएगा, तो स्पेशल कलर हमारे पास में आएगा कोलेजन फाइबर्स के लिए स्पेशली। अब बाकी क्या बचता है कि बाकी जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, आरबीसी थी या अदर कनेक्टिव टिश्यूज थे, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वहाँ पे, उनके लिए पिक्रिक एसिड क्या करेगा, एज ए काउंटर स्ट्रेन वर्क करेगा। जैसे कि मसल्स के लिए, साइटोप्लाज्म के लिए, या फिर कोई भी आरबीसी या कोई भी अदर मॉलिक्यूल्स है, तो उनके लिए पिक्रिक एसिड एज ए काउंटर स्ट्रेन वर्क करने लग जाएगा। तो आई होप आप लोगों को प्रिंसिपल समझ में आया होगा क्या है। देखो कुछ नहीं, सिंपल से चीजें, दो कंपोनेंट्स पिक्रिक एसिड है, एसिड फ्यूजन है, एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एक में लार्ज मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाला सब में चला जाएगा टिश्यू पार्टिकल्स में, एंड लार्ज मॉलिक्यूल है जो स्मॉल मॉलिक्यूल वाले के साथ में चला जाएगा, नया कंपाउंड बनाएगा जो कि कोलेजन फाइबर्स को स्टेन करेगा, एंड बाकी सबके लिए पिक्रिक एसिड एज अ काउंटर स्टेन वर्क करेगा। तो ये मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल समझा दिया, आप इसके रिजल्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन ए बनाएंगे, फिर सॉल्यूशन बी बनाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमें हेमेटॉक्स लेनी 1 ग्राम, ठीक है, अल्कोहल लेना 95% वाला 100 ml, ये सॉल्यूशन ए होगा, ठीक है। सॉल्यूशन बी के लिए क्या करना है आपको, 29% वेट बाय वॉल्यूम का फेरिक क्लोराइड लेंगे अपन 4 ml, ठीक है, और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे 1 ml, और डिस्टिल वाटर लेना 95 ml। अब इन सबको मिक्स करेंगे अपन, कैसे मिक्स करेंगे, अब ये हेमेटॉक्सिलिन बनाने का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो विकेट हेमेटॉक्सिलिन जो बनाएंगे हम, उसके लिए क्या करें, इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी को ले लेंगे, ठीक है, उससे हमारे पास में एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको अपन 1 नंबर दे देते हैं, ठीक है, जो कि कैसा अपीयर होना चाहिए, वॉयलेट ब्लैक हमारे पास में अपीयर होना चाहिए, जो कि एक हेमेटॉक्सिलिन की फॉर्मेशन होगी। ये सॉल्यूशन नंबर 1 है। नेक्स्ट सॉल्यूशन जो नंबर 2 हमारे पास में, ये वाला होगा कि वैन जेंसन सॉल्यूशन जो बनाएंगे, विजी सॉल्यूशन जो हम बनाने वाले, उसके लिए क्या क्या चाहिए, सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड चाहिए, ठीक है, जो कि 10 ml होगा, एंड 1% मास बाय वॉल्यूम जो एसिड फ्यूजन लेंगे वो 1.5 ml होगा, ये हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है, ये सॉल्यूशन नंबर 2 है। तो दो सॉल्यूशन हमें बनाने हैं। अब प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि इंटायर स्टेनिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट यहीं पे कि जो टिश्यू सेक्शन कट किया जाता है वो 4 to 5 micron की थिकनेस में टिश्यू सेक्शन को कट करना है। कट करने के बाद में आप लोगों को पता है वैक्स बॉक्स में हमें सारे प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के बाद में सबसे पहले उसको डीप पैराफिनाइज करेंगे हम, किस में, ज़ाइलिन के अंदर, ठीक है, डीप पैराफिनाइज करेंगे ज़ाइलिन में। ज़ाइलिन में डीप पैराफिनाइज करने के बाद में उसका हाइड्रेशन करेंगे, जो कि वाटर के साथ में किया जाएगा, उसको हाइड्रेट करा जाएगा पहले, ठीक है, ताकि उसमें वाटर अच्छे से फिल हो जाए। आफ्टर दैट क्या करेंगे, स्ट्रेन करेंगे उसको, विकेट हेमेटॉक्सिलिन से स्ट्रेन करेंगे 20 to 30 minutes के लिए। आफ्टर दैट क्या करेंगे, जब स्ट्रेन हो जाएगी तो वॉश ऑफ कर देंगे अपन स्ट्रेन को टैप वाटर में, जो कि हमारे पास में 10 से 15 seconds के लिए उसको वॉश ऑफ करेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम उसको दोबारा स्ट्रेन करेंगे, किसमें, वीजी स्ट्रेन में स्ट्रेन करेंगे 1 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे जो भी टाइमिंग लिखी होती है वो आपको एक्यूरेटली उसी टाइमिंग के हिसाब से करना होता है। कम ज़्यादा करोगे तो स्ट्रेनिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्ट्रेन करेंगे 1 से 3 मिनट के लिए। आफ्टर दैट क्या करना है, उसको रेजिन वॉश वेल करना है, उसको डिस्टिल वाटर में, डिस्टिल वाटर में आपको वॉश करना है। वॉश करने के बाद में क्या करना है आपको, उस टाइमिंग में क्या ध्यान रखना है, वॉशिंग इन टैप वाटर शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट विल इंपेयर द कलर बैलेंस। देखो क्या कहता है, टैप वाटर में वॉश नहीं करना है आपको, जब आप वीजी स्ट्रेन करते हैं
ठीक है। तो उसमें आपको इस वाले स्टेप में आपको डिस्टिल वाटर से ही वॉश करना है, टैप वाटर से वॉश नहीं करना है। आप यहाँ पे टैप वाटर यूज़ कर सकते थे जब ये वाला प्रोसीजर हमने किया था, ठीक है, जब सिर्फ हेमाटॉक्सिलिन से स्टेन किया था। आफ्टर जब हम वीजी स्टेन से स्टेन कर देंगे तब उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करना है, नॉर्मल वाटर से टैप वाटर से वॉश नहीं करना है। आफ्टर दैट क्या करना है कि डिहाइड्रेट इन एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर टू चेंजेस। अब टू चेंजेस करने, देखो पहले हमेशा क्या किया जाता है कि जब कंप्लीट हमारी स्टेनिंग हो जाती है, स्टेनिंग होने के बाद में हम क्या करते हैं, हमेशा उसको डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट क्यों किया जाता है, जो भी टिश्यू हमारे पास में होता है उसका कंप्लीटली वाटर को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वाटर को रिमूव नहीं करेंगे तो ऑटोलाइसिस पिट्रिफिकेशन जैसे दो प्रोसेसर होता है, जो कि स्टार्टिंग के मैंने जो कंप्लीट जो हिस्टोपैथोलॉजी के इंट्रोडक्शन बनाए थे उनमें मैंने समझा रखा है ऑटोलाइसिस क्या होता है, पिट्रिफिकेशन क्या होता है और उनका क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है पूरी हिस्टोपैथोलॉजी स्टेनिंग में या कहीं पे भी अगर वो प्रेजेंट रह जाता है वाटर, तो ये उसको ऑटोलाइसिस के थ्रू टिश्यू को पूरा खराब कर देगा, टिश्यू डिग्रेड हो जाएगा और टिश्यू जो है हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा उसको डिहाइड्रेट करना होता है और एब्सोल्यूट अल्कोहल से करते हैं, हमेशा 100% अल्कोहल से ही करेंगे और दो चेंजेस करने हैं। आफ्टर दैट क्या करना है कि क्लियर इन ज़ाइलिन फॉर द टू चेंजेस क्लियर करेंगी एंड माउंट विद अ परमानेंट माउंटिंग मीडिया विद अ डीपीएक्स। के बाद में जब एंटायर प्रोसेस हो जाएगा तो डीपीएक्स हम उसको माउंट कर देंगे स्टेनिंग को, ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रिजर्व हो सके। अब रिजल्ट की बात करते हैं, तो जो न्यूक्लियाई होता है इसमें वो ब्लू से ब्लैकिश आपको दिखता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ब्लू से ब्लैकिश होता है। कोलेजन फाइबर जो हमारे पास में होती हैं, ठीक है, वो ब्राइट और ब्रिलियंट रेडिश कलर के दिखते हैं, जैसे कुछ इस तरीके से दिखेगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी, तो आपको इस तरीके से मैं डायग्राम की फॉर्म में बस बना के बताया है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में अदर कोई भी टिश्यूज इंक्लूडिंग जैसे मसल्स आरबीसी वो सारे के सारे येलोइश कलर के आप लोगों को नजर आएंगे। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जिस भी जैसे कोलेजन फाइबर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है वीजी स्टेन के थ्रू, अगर कोलेजन फाइबर में कोई भी ट्यूमर या कुछ भी क्रिएटेड है, ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्यूमर सेल्स या कैंसर सेल्स उसको डेटा करने के लिए हम सारी स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं, तो अगर वहाँ पे कोलेजन जो फाइबर्स हैं अगर वहाँ पे ट्यूमर वगैरह मिलता है यहाँ पे, ठीक है, तो डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि पेशेंट में क्या डिजीज और क्या डिजीज नहीं है। तो इस तरीके से वीजी स्टेन जो होती है हमारे पास में वो हेल्पिंग होती है डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। आई होप आप लोगों को जो है स्टेनिंग कंप्लीट समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग।